issued 1 lakh, applied 3 lakh. 2 lakh excess, दोनों के डिफरेंस से निकालेंगे. 2 lakh into 2, that is 4 lakh excess. एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है. एक्सेस में सिर्फ हमको अलॉटमेंट को एडजस्ट करना है, बाकी के पैसे रिफंड करने हैं. तो अलॉटमेंट कितना होगा, 1 lakh into 3, दैट इज 3 lakh. एक्सेस कितना है, 4 lakh. तो 3 lakh माइनस 4 lakh माइनस 3 lakh, 1 lakh को क्या करना है, रिफंड, ठीक है. तो पहला एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 3 lakh into 2, 6 lakh. सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन कितना है, 3 lakh. 1 lakh into 2 कितना होता है, 2 lakh जाएगा शेयर कैपिटल में. 1 lakh इशूड इनटू एप्लीकेशन मनी 2. एक्सेस कितना है, 4 lakh, उसको एडजस्ट करना है टू शेयर अलॉटमेंट, दैट इज 3 lakh. एंड टू बैंक, ये जो 1 lakh रिटर्न करना है उसको लिखेंगे टू बैंक. हो गया दो एंट्री. अलॉटमेंट करना है शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू करना है तो इशूड से मल्टीप्लाई करो, 1 lakh into 3, दैट इज 3 lakh. ठीक है. अभी देखो अलॉटमेंट में कितना एडवांस मिल रहा हम लोगों को, विद एप्लीकेशन 3 lakh, ड्यू कितना हुआ 3 lakh. तो एडवांस मिल गया है ना, तो बैंक वाली एंट्री नहीं आएगी. 3 lakh लेना था, 3 lakh ऑलरेडी मिल गया है, तो कितना मिलेगा, नील. नील तो कोई एंट्री नहीं आएगी. अभी करते हम लोग फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट इज 1 lakh into 5. 1 lakh into 5 कितना हो जाएगा, 5 lakh. रिसीव का एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दैट इज 5 lakh मिलने वाला था, उसमें 3000 अप्लाइड वाले ने पैसा नहीं दिया, तो अप्लाइड से पहला इशूड निकालो. 1 lakh divided by 3 lakh into 3000 कितना आ जाएगा, 1000. 3 lakh को 1 lakh अप्लाइड हुआ है, इशूड हुआ है, तो 3000 को कितना होगा, 1000. क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हो. तो 1000 वाले ने 5 rupees नहीं दिया, तो -5000 कितना मिल गया, 4 lakh 95,000. 4 lakh 95,000, ठीक है. अभी करेंगे फॉरफीचर. तो एंट्री क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. फॉरफीचर अकाउंट 5000 को हमने फॉरफीट किया, इनटू जो नहीं मिला है, नहीं कितना मिला है, 5000 नहीं मिला, तो नाम लिखेंगे कितना मिला रहेगा, 5000 पे ये 5 rupees मिल गया रहेगा, तो 5000 मिल गया है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10000 फॉरफिट हो गया. फिर रीइश्यू करना है. रीइश्यू का एंट्री क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने में किया, 8 में किया है ना, 2 rupees का लॉस हुआ. हम लोग कहाँ से रिकवर करेंगे, फॉरफिचर से. तो फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1000 shares था, 1000 shares इंटू 8000 कैश में आया, बैंक में आया, 2 rupees का लॉस, मतलब 2000 का लॉस, 10000 शेयर कैपिटल, ठीक है. अभी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जो अमाउंट हमारे फोर फ्यूचर में रिमेनिंग रहेगा वो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो कितना रिमेनिंग है, 5000 हमारे अकाउंट में था, हमने 2000 यूज कर लिया, तो माइनस कर लो, तो बचा कितना, 3000, दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व.
फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व दैट इज 3000 ओवर, ठीक है, लिख लो इसको।